नमस्कार दोस्तों, हम हैं कैथल के सिविल अस्पताल में और आज यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित होकर कुछ सामान वितरित कर रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति से। नमस्कार मैम, आपका नाम? जी रूबी अरोड़ा। आप लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं? हम फल बांटने आए हैं। ये फल आप किसको बांट रहे हैं और किस लिए? हम पेशेंट को बांट रहे हैं। हमारे गुरु साहब डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी की प्रेरणा के अनुसार हमें बताया गया 132वां कार्य है, जो है हमारा शुभकामना, उसके जरिए हम बांट रहे हैं। आप लोग यह फल विस्तृत कर रहे हैं, यह सिर्फ कैथल में ही हो रहा है या और जगह भी हो रहा है? नहीं, सभी शहरों में हो रहा है। आपका इसके पीछे करने का क्या मकसद है? क्या आपको कोई पैसे मिलते हैं? आपको किसी ने फोर्स किया है? आप लोग ये क्यों करते हैं? नहीं, ये हम स्वेच्छा से कर रहे हैं, जो गुरु जी ने हमें प्रेरणा दी हुई है अभी इस मानता भलाई के। ये गुरु जी की प्रेरणा से यहाँ पे मरीजों के लिए फ्रूट लेके आए हैं, उस संभावना से आए हैं कि जो जो ये प्रसाद खाएगा वो बिल्कुल ठीक होके अपने घर जाएगा। तो इस भावना से ये सबको मरीजों को प्रसाद दे रहे हैं और जब भी सामूहिक कोई प्रार्थना होती है उसका बहुत असर होता है, तो इसका पूरा असर होएगा, मरीजों को असर होएगा, मरीज ठीक होएंगे। और ये बहुत अच्छा कार्य है, ये मिलके कर रहे हैं। हम पहले भी ये आए थे, कई बार ये आ चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में और कई मरीजों को दे जा चुके हैं। कोरोना वायरस को भी इन्होंने सम्मानित किया था। ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं इनका स्वागत करता हूँ दिल से। हमारी सच्चा सौदा वाली संस्था है, सिरसा वाली संस्था है, उनकी प्रेरणा से ये सारे काम करते हैं। धन्यवाद।